In this question, solve the following equation for z. Z square minus 3 minus 2 iota into z equals to 5 iota minus 5. So z square minus 3 minus 2 iota into z minus of 5 iota minus 5 equals to 0. So z की value क्या जाएगी? So this form a quadratic in z. So z की value क्या जाएगी? Minus b means ये value क्या जाएगी? 3 minus 2 iota plus minus b square minus 4 इसे apply करेंगे तो जाएगा 9 minus 4 माइनस 12 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5 आयोटा माइनस 5 और अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2. सो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 इज 5, 5 माइनस 20 मीन्स माइनस 15 आगे वैल्यू, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस 12 प्लस 20 मीन्स प्लस 8 आयोटा अपॉन 2 अपॉन में 2. सो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 8 आयोटा माइनस 15 इज, दिस इज किसका स्क्वायर है हमारे पास, ये 1 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर हमें पता चल रहा है, 1 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2. तो जेड क्या आ गया हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस दिस इज 1 प्लस 4 आयोटा और अपॉन में 2. सो जेड क्या क्या पॉसिबल है, जेड की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस 4 आयोटा बाई 2 या फिर 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 4 आयोटा बाई 2. ओके, सो जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 आयोटा बाई 2 या फिर 3 माइनस 1 इज 2 एंड माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा मीन माइनस 6 आयोटा बाई 2. तो यहाँ से जेड क्या आ गया, जेड इज 2 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस 3 आयोटा. सो वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो जेड कैन बी 2 प्लस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इनटू जेड इक्वल्स टू 5 आयोटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो जेड कैन बी, जेड हैज 2 प्लस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.